सो आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हो कि मैम दिल्ली के नर्सिंग कॉलेज के बारे में कुछ बताइए। सो आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे दिल्ली गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे नीट तो नहीं देना आपको, राइट? तो नीट के अलावा या तो जो पर्टिकुलर कॉलेज है उसका खुद का एंट्रेंस हो सकता है या फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। सो ये 10 कॉलेज के बारे में जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, शायद ही आपको यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो मिले क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आ रहा है एंड ये सारे ही इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल साइट से लिया गया है। मैं पर्सनली हर एक वेबसाइट को कॉल करके सारी डिटेल्स ली हूँ और हो सकता है यहाँ पे जो फीस हम डिस्कस करेंगे उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसे फीस हो जो हमने एनुअली डिस्कस किए हैं या फिर ट्यूशन वाइज, क्योंकि ट्यूशन फीस और जो आपका कंप्लीट एनुअल फीस होता है उसमें डिफरेंस होता है, तो वो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ कहाँ पे हॉस्टल है, देखो हर एक नर्सिंग कॉलेज में हॉस्टल्स अवेलेबल होता है। सो यहाँ पे टॉप 10 दिल्ली नर्सिंग कॉलेज के बारे में बात करेंगे जहाँ से आप GNM कोर्स कर सकते हैं एंड मोस्टली जो कॉलेजेस है वो गर्ल्स के लिए है, तो बॉयज़ के लिए आई थिंक एक दो कॉलेज ही यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। सो अगर कोई बॉय ये वीडियो देख रहे हैं तो वो आप हमें बता सकते हो और हो सकता है तो मैं आपके लिए भी सेपरेट वीडियो लेके आऊँ। बाय द वे बॉयज़ BSc नर्सिंग कहाँ से कर सकते हैं ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। अगर कोई गर्ल्स ऐसे बॉय कैंडिडेट को जानते हैं जो BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो उनको वो वीडियो रिकमेंड या सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में साइंस स्ट्रीम के बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं लेकिन नॉन साइंस वाले बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो कॉलेज नंबर 1 है राजमाता नर्सिंग कॉलेज। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पे आपका CET होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे। GNM में आप एडमिशन ले सकते हैं 22 टोटल सीट से। सो सिर्फ और सिर्फ फीमेल यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं और 17 to 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे टोटल फीस मेंशन किया है जो कि ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस आपकी बहुत कम है। GNM के लिए 3 साल का जो कोर्स होता है उसके लिए आपको 16,000 के अप्रॉक्स पे करना है। सो CET का पैटर्न बता देती हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन सभी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड जनरल क्वेश्चन से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इंग्लिश में आप ये एंट्रेंस दे सकते, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। देन नंबर 2 जो कॉलेज है पन्ना दास स्कूल ऑफ नर्सिंग दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, यहाँ पे 28 सीट्स है और यहाँ पे सिर्फ अनमैरिड या विडोर्ड फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। डायरेक्ट एडमिशन होगा यहाँ पे GNM के लिए और ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है तो ऑब्वियसली फीस आपकी बहुत कम होगी यहाँ पे, और ये दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है, साथ ही साथ DTU दिल्ली से ये एफिलिएटेड है। 3rd नंबर पे है कॉलेज ऑफ नर्सिंग सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल। सो ये काफ़ी पॉपुलर हॉस्पिटल है, साथ ही साथ काफ़ी पॉपुलर नर्सिंग कॉलेज है जहाँ पे आपका BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंड GNM ये तीनों कोर्सेज कराए जाते हैं। GNM के लिए टोटल 50 सीट्स है। यहाँ पे आपका एंट्रेंस टेस्ट तो होगा ही होगा, इसके साथ साथ इंटरव्यू भी होगा। सो 80:20 रेशियो में आपकी मेरिट बनती है। फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इसलिए GNM की फीस ज़्यादा है और 1,60,000 जो फर्स्ट ईयर में फीस आप दे रहे हो, यहाँ पे एडमिशन फ़ी, कॉशन फ़ी, ये सारी चीज़ें होती है। कॉशन फ़ी बाद में रिफंड हो जाता है। सो एंट्रेंस टेस्ट में जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड साइंस, इन चारों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हाँ, यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। ओके, DNC दैट इज दिल्ली नर्सिंग काउंसिल आपको स्कॉलरशिप ग्रांट करती है जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, मेरिट बेसिस पे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। नंबर 4 पे है बाबा हरिदास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, यहाँ पे 40 सीट्स है GNM के लिए और अगर ANM कोई करना चाहता तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है तो एंट्रेंस के बेसिस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होना है। 76,000 आपकी GNM कोर्स की फीस है। उसके बाद बात करते हैं गिन्नी देवी एक्शन स्कूल ऑफ नर्सिंग, यहाँ पे भी सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, डायरेक्ट एडमिशन होता है। ये वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड फैकल्टी है। सो कॉलेज काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये GNM स्पेसिफिक कॉलेज है जहाँ पे जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स कराया जाता है। उसके बाद है होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ पे भी ये सारे कोर्सेज है GNM के लिए, 60 सीट्स है। अब एडमिशन कैसे होना है, देखो जब भी इसकी एप्लीकेशन रिलीज होती है या ब्रोशर आता है तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट एडमिशन होगा मेरिट बेसिस पे या फिर कोई एंट्रेंस लेने वाली है, ठीक है। सो फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना होता है और फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं 65,000 पर ईयर।
उसके बाद नंबर 7 पे है अपोलो स्कूल ऑफ नर्सिंग। अपोलो हॉस्पिटल आपने सुना ही होगा, काफ़ी फेमस है और यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। जीएनएम के लिए 40 सीट्स है एंड अगेन यहाँ पे भी जब एडमिशन की एप्लीकेशन रिलीज होगी तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि एडमिशन किस बेसिस पे होने वाला है। 8 नंबर पे है सेंट परमानेंट हॉस्पिटल नर्सिंग स्कूल, यहाँ पे एंट्रेंस के बेसिस पे ही एडमिशन होना है, तो 95,000 पर ईयर आपकी जीएनएम की फीस रहेगी। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे 30 सीट्स है जीएनएम के लिए, एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे एडमिशन होना है, सो यहाँ पर फीस रहेगी जीएनएम के लिए 40,000 रुपीज़। अगला है स्कूल ऑफ नर्सिंग तीरथ रामशाह हॉस्पिटल, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है नॉर्थ दिल्ली का एंड तीरथ रामशाह चैरिटेबल ट्रस्ट के गाइडेंस के अंडर इसे रन कराया जाता है। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट, इंटरव्यू या फिर डायरेक्टली 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन हो सकता है, डिपेंडिंग जब भी इसकी एप्लीकेशन रिलीज होगी, इन्फॉर्मेटिव बुलेटिन रिलीज होगी तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, जिसके लिए तीरथ रामशाह हॉस्पिटल के ऑफिशियल साइट को विजिट करना है आपको। सो टोटल फीस यहाँ पे 1,80,000 है एंड किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो लास्ट में बस एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। देखो ऐसा हो सकता है कि मैं रैंडम कहीं से भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ, इसलिए मेरे इस मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। सो और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड